हार्टी कर्नर्स के आर्ट एंड क्राफ्ट कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे होममेड कैनवास फोटो फ्रेम्स। ये हम बनाएंगे कुछ वेस्ट कार्डबोर्ड पीसेस से। आइए देखें इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। कुछ वेस्ट कार्डबोर्ड ले लीजिए, कार्टन का पीसेस कार्डबोर्ड, या फिर आप चाहें तो 2 mm का हार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंटरफेस लिया है जिसको मैं कार्डबोर्ड के ऊपर कवर करूंगी। पेंसिल, स्केल, एक 4x6 का फोटो, कैंची आपको इंटरफेस को कट करने के लिए चाहिए, और एक कार्डबोर्ड कटर। आप फ्लोर पर या फिर किसी वुड सरफेस के ऊपर रखकर कटर की हेल्प से कार्डबोर्ड को कट कर सकते हैं। अगर आप हार्डबोर्ड ले रहे हैं तो 2 mm का हार्डबोर्ड आप खरीद कर कट करवा कर ला सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4x6 का एक फोटो लिया है, तो मैं यहाँ पर साइड से 3 cm का एक मार्क लगाऊंगी, यानी मेरा जो फोटो फ्रेम का फ्रंट पीस होगा वो 3 mm का एक रेक्टेंगुलर पीस होगा। मैं साइड से मार्क करती जाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड से 3 mm का मैंने नाप लिया है। एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। लेफ्ट साइड का और निचली तरफ से 3 mm का मार्क लगाने पर हमें एल शेप का कॉर्नर मिल जाएगा, तो 3 cm आप अच्छे से माप लें और स्ट्रेट लाइन बना लें। तो लीजिए, हमारा एक सिंपल सा कॉर्नर बन गया है। अब यहाँ पर हम हमारा फोटो फ्रेम रख के, देखिए जो कॉर्नर बना है वो कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए हम फोटो को रख के बाकी साइड्स का लाइन हम बना लेंगे। आप यहाँ पर स्केल भी यूज कर सकते हैं, मैं सिंपली इसको लाइन बना रही हूँ। अब यहाँ से हमें अपर लाइन और राइट हैंड साइड का लाइन बनाना है, जो कि होगा 3 cm का। तो चलिए झटपट ये लाइंस भी हम बना लेते हैं। तो हमारा जो सामने वाला फोटो फ्रेम होगा, तो हमारा फ्रेम का चौड़ाई होगा 3 cm का, यानी चारों तरफ से हमें 3 cm का फ्रेम लेना है। ये मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से 3 cm ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपने पेंटिंग के अनुसार आप मनपसंद फ्रेम छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब कार्डबोर्ड कटर की हेल्प से हमें इसे कट कर लेना है।
और याद रखिए बहुत ज़्यादा जोर से दबा के आपको इसको कट नहीं करना है। दो या तीन बार आपको लाइन में कट करना पड़े तो आराम से कट कीजिए, और एल्स आपका फ्लोर या फिर लकड़ी के ऊपर भी आप अगर आप रख के इसको कट करें तो वो भी खराब होने के चांसेस है। आराम से कट कीजिए। अब ऐसा ही हमें दूसरा पीस भी चाहिए, पर इससे थोड़ा सा छोटा। छोटा पीस इसलिए ताकि वो पीछे रहेगा तो आगे से और दिखाई नहीं देगा, यानी हमारा जो फोटो फ्रेम का फ्रंट एरिया है, फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट पार्ट है, वो थोड़ा सा पिछले पार्ट से बड़ा ही रहेगा। तो लीजिए हमारा दो पीस फोटो फ्रेम का कार्डबोर्ड बन गया है। जो फ्रंट पार्ट है उसको आप 4x6 के हिसाब से कट नहीं कर सकते। अगर हमने इसे एग्जैक्ट 4x6 का माप लिया है, अगर इसी तरह से हम इसको कट कर देंगे तो फोटो हमारा गिर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 cm इनसाइड लेकर एक रेक्टेंगल बना लेंगे। जो इनर रेक्टेंगल होगा हमारा उसको हम कट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए आपका जो कॉर्नर है वो एकदम शार्प होना चाहिए, या तो लाइन करते वक्त या फिर कट करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपका इनर कॉर्नर होगा उसको ध्यान से आराम से आपको कट करना है। तो इसके लिए आप बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से दो या तीन लाइंस लगा के आप इसे कट कीजिए। देखिए इस तरह से आराम से आपको कट करना है। अब जो कॉर्नर है उसको दोनों तरफ से इस तरह से कट करना है ताकि हमारा शार्प कॉर्नर बन जाए। तो फ्रंट और बैक का कार्डबोर्ड हमने कट कर लिया। अब जो हमारा इंटरफेस है उसको हम ओनली फ्रंट पार्ट में ही लगाएंगे। इंटरफेस आपको किसी भी सीविंग शॉप में मिल जाएगा। नॉर्मली कुर्ती या फिर ड्रेस का जो नेक डिजाइन है उसे डिफाइन करने के लिए इस तरह का आपको इंटरफेस मिलता है। इसका एक पार्ट ग्लॉसी होता है और दूसरी तरफ प्लेन रहता है जिस पर हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो आपका जो कार्डबोर्ड है वो आप ग्लॉसी पार्ट में रखेंगे क्योंकि वो छुप जाएगा। आप चाहें तो नाप के ले सकते हैं या फिर आपका जो फ्रेम है उससे थोड़ा सा छोटा इंटरफेस चारों तरफ से अनुमानिक भी ले सकते हैं और उसे कट कर लीजिए। जो भी आपको पेंसिल मार्किंग करना है वो सब आप ग्लॉसी पार्ट में ही कीजिए, फ्रंट पार्ट में नहीं। फ्रंट पार्ट जो है इंटरफेस का उसमें हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कट करने के बाद हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है कार्डबोर्ड का उसको लेके उसके इनसाइड को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और फिर स्केल और पेंसिल लेकर कॉर्नर टू कॉर्नर इस तरह से मार्क कर लेंगे, एक क्रॉस बना लेंगे ताकि हमें इनसाइड
कट लगाने में इजी हो। इसे इस तरह से मोड़ के सेंटर पार्ट में एक चुटकी लगा दीजिए, यानी एक छोटा सा कट कर लीजिए। अब इजीली आप कॉर्नर तक कट कर सकते हैं। ध्यान से कट कीजिए। ये सब हम ग्लॉसी पार्ट पे ही कर रहे हैं। तो देखिए हमारा फ्रेम इस तरह से लग जाएगा। अब इसे मोड़ के थोड़ा सा दबा लेंगे और जो फ्रेम से बाहर जा रहा है उसे हम कट कर लेंगे। हमें ज़्यादा बल्की नहीं चाहिए, इसलिए जितना चाहिए उतना रख के, यानी बाउंड्री से थोड़ा छोटा रख के हम इस तरह से मोड़ लेंगे और उसे कट कर लेंगे चारों तरफ से। फिर हम उसको फेविकल से चिपका लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी हार्ड ग्लू का यूज भी कर सकते हैं, या फिर फेविकल से ही बहुत अच्छे से आपका इंटरफेस चिपक जाता है। और जब आप इसे चिपकाएंगे तो थोड़ा सा घीच घीच के चिपकाएं, ताकि जो आपका पेंटिंग एरिया होगा वो एकदम प्लेन होगा, यानी फ्रंट पार्ट जो है आपका कैनवस का वो एकदम फ्लैट बना रहेगा। और ध्यान रखिए हम गम ओनली पीछे से ही लगाएंगे, फ्रंट एरिया से नहीं। और जो कॉर्नर है हमारा उसे इस तरह से हम छोटे छोटे स्क्वेयर्स कट कर लेंगे चारों तरफ से और उसे मोड़ के फिक्स कर लेंगे। पहले अंदर का पार्ट ही कीजिए, उसके बाद इस तरह से आप मार्किंग करके बाहर का हिस्सा भी कवर कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने साइड से कट लगा लिया। अब हमारा जो पीस है वो थोड़ा सा छोटा है, यानी जो हमारे फ्रेम का इनसाइड बाउंड्री है उससे थोड़ा सा छोटा है। इसी तरह से ही आपको कट करना है और फिर फेविकल देके इसे थोड़ा सा घीच घीच के एकदम टाइट आपको फेविकल लगाना है। ताकि हमारा जो पेंटिंग का एरिया है वो फ्लैट हो जाए। आपको फ्रंट साइड में बिल्कुल फेविकल नहीं लगाना है, वरना उधर उबड़ खाबड़ दिखाई देगा। आपको बस बैक साइड में ही गम लगाकर चिपकाना है। और अगर आपको लगे कि कॉर्नर थोड़ा सा शार्प नहीं आ रहा है या फिर एजेस थोड़े से अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसे फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, या फिर कट भी कर सकते हैं इसको, जो भी आपको इजी लगे या फिर अच्छा लगे, अच्छा दिखे, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए खींच खींच के इसको एकदम टाइट करके हमें फिक्स कर देना है। अच्छे से गम लगाकर इसे सेट करने के बाद ऊपर से कुछ वजन रख के, यानी कुछ किताबें या फिर बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर रख के इसको थोड़ा दबा के आपको रखना होगा। और एक दिन सूखने के बाद आपका फ्रंट कैनवास एरिया आपका मिल जाएगा। जो पिछला पोर्शन है कार्डबोर्ड का उसको हमें कलर करना है। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है एक दिन सूखने के बाद, तो पिछले पोर्शन को हमें एक ही साइड में ओनली कलर कर लेना है। साइड्स को कलर करना है और एक ही तरफ हमें कलर करना है, दूसरा तरफ तो छिप जाएगा। तो जब आप कलर करें तो एक्रिलिक कलर में कोई भी मीडियम
पानी या फिर कोई लिक्विड यूज ना करें, ये कार्डबोर्ड पर हम पेंटिंग कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट कलर को लेकर ही इस तरह से पेंटिंग कर लेना है और साइड्स को भी कवर कर लेना है। आप अपने मनपसंद कलर से इसे कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसे व्हाइट कलर कर लिया है और एक ही साइड में मैंने कलर किया है। अब मैंने अपने फोटो को एक पॉलीथिन पाउच में डाला है। आप अगर चाहें तो OHB सीट या फिर क्लियर प्लास्टिक सीट का यूज भी कर सकते हैं ताकि फोटो आपका धूल मिट्टी या फिर पानी से बचे। तो जो हमारा कैनवास फोटो फ्रेम बनेगा उस पर हम मनपसंद ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा कलरिंग करूँगी। मैंने यहाँ पर मरून कलर ले लिया है, उससे मैं पूरा का पूरा फ्रंट फ्रेम को कवर करके कलर कर लूँगी। तो चलिए इससे पूरा कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर भी मैंने ना तो वाटर का यूज किया है ना ही किसी तरह का मीडियम का, सिंपली कलर कर दिया हमने और एक दिन उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। अब तैयार है हमारा फ्रेम भी। अब यहाँ पर मैं जो हमारा फेबिक्रिल ग्लिटर आउटलाइनर होता है गोल्ड या सिल्वर कलर, उसका यूज करूँगी और एक सुंदर सा डिजाइन बना लूँगी। आप चाहे तो कुछ भी पेंटिंग भी कर सकते हैं या फिर 3D कोन या आउटलाइनर लेकर आप उसे पेंटिंग कर सकते हैं। आइए देखें मैंने कैसे किया है। पूरा बनने के बाद और एक दिन सूखने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट एकदम रेडी है। अब आप कोई हार्ड ग्लू ले सकते हैं या फिर फेविकल लेके भी इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लियर प्लास्टिक सीट लेकर अपने फोटो को इस तरह से सेंटर में फिक्स कर लिया है और साइड से थोड़ा सा मैं क्लियर सेलो टेप इस तरह से लगा के ओनली बैक साइड लगा के रखती हूँ ताकि जब मैं फेविकल लगाकर फ्रंट पार्ट को दबाऊं तो इसे अच्छी तरह से पकड़ बन जाए। देखिए कैसे हमारा पिछला पार्ट थोड़ा सा छोटा है तो फ्रंट से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और जो सेलो टेप हमने लगाया है उसे इस तरह से फिक्स कर लेंगे ताकि जो फेविकल है वो अच्छे से चिपक जाए। और इसके ऊपर हमें कुछ वजन देना है और एक दिन के लिए छोड़ देना है। लीजिए एक दिन सूखने के बाद हमारा फोटो फ्रेम एकदम रेडी है। अब हम सेलो टेप को निकाल सकते हैं। चारों तरफ से हमारा सेलो टेप अब निकाल लेंगे क्योंकि फेविकल अच्छे से चिपक चुका है। और लीजिए चारों तरफ से सेलो टेप निकालने के बाद हमारा फोटो फ्रेम
एकदम रेडी है। आप अगर चाहें तो इसके पीछे कोई ट्रायंगल जैसा बना के लगा के किसी टेबल के ऊपर भी फोटो फ्रेम को रख सकते हैं, पर मैं इसे टांगने के लिए बना रही हूँ तो इसके पीछे मैं थोड़ा सा लेस लगाकर इस तरह से खूंटी के ऊपर मैं लगा सकती हूँ। अगर आप चाहें तो डबल साइडेड टेप भी यूज कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है आपका सुंदर सा फोटो फ्रेम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू।